दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स MOI के 2024 के रिपोर्ट के हिसाब जाना जाता है कि एक साल में इंडिया जो के 125 बिलियन $ रिसीव करते हैं विदेशों से भेजे गए पैसों से, जो कि इंडिया के GDP का 3.40% होता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 125 $ जो कि इंडिया के 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। तो कौन और क्यों इतना सारा पैसा जो कि इंडिया में भेज रहा है, और उसी के साथ क्या होता है इस पैसे का, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पैसे से इंडिया को या इंडिया में रहने वाले आम जनता को कोई बेनिफिट होता है या नहीं। तो आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया के कुछ ऐसे बेटे बेटियों के बारे में जो कि इंडिया से सात समुंदर दूर रह के भी इंडिया के बारे में सोचते हैं, और उसी के साथ जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इंडिया के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड इकोनॉमी में भी। दोस्तों, ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी भी कंट्री में रहे, लेकिन अपने ट्रेडिशन, कल्चर एंड अपने लैंग्वेज को कभी नहीं भूलते। उसी के साथ आप जैसे ही अपने देश को रिस्पेक्ट एंड प्यार भी बहुत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाता हूँ इन देशभक्तों से जो कि इंडिया से दूर रह के भी इंडिया के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हेलो, वेलकम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, इंडिया जो कि हर साल बिलियन डॉलर्स के हिसाब से ओवरसीज रेमिटेंस रिसीव करते हैं। ओवरसीज रेमिटेंस का मतलब होता है विदेशों से इंडिया में भेजे गए पैसे। सो आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 2008 से स्टिल अभी तक इंडिया जो कि ओवरसीज रेमिटेंस कंट्री के लिस्ट में नंबर वन है, और ये कोई आम बात नहीं है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हर साल जो कि ओवरसीज रेमिटेंस का अमाउंट बढ़े जा रहा है। दोस्तों, 2024 के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ओवरसीज रेमिटेंस मार्केट का हिसाब था $860 बिलियन, और आप देख पाएंगे इंडिया जो कि $125 बिलियन के हिसाब से लिस्ट में नंबर वन पे है। सो अभी क्वेश्चन आता है कि कौन है ये लोग जो कि इंडिया में इतना सारा पैसा जो कि भेज रहा है। सो दोस्तों, इसका आंसर है ओवरसीज इंडियंस, जिसका मतलब होता है प्रवासी भारतीय। और प्रवासी भारतीय को हम लोग तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो कैटेगरी के नंबर वन पे आता है NRIS, जिसका मतलब है नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, जो कि एक्चुअल में इंडिया में ही रहते हैं लेकिन विदेशों में काम करते हैं, और साल के कुछ ही दिन इंडिया में जो कि छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। एज पर द सेक्शन 6 इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, अगर आप इंडिया में एक साल में 182 डेज से कम रहते हैं तो आपको NRIS कैटेगरीज में लिस्टेड किया जाता है। नंबर टू है PIOS, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के हिसाब से, अगर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर के फादर इंडिया से बिलोंग करते थे तो आपको जो के इस कैटेगरीज में लिस्टेड किया जाता है। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज में से बिलोंग करते हैं तो ये एक्ट जो कि आपके ऊपर लागू नहीं होता है। नंबर थ्री है OCI, जिसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो इंडियंस इंडिया छोड़ के अभी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हैं उनको इन कैटेगरीज में लिस्टेड किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इंडिया जो कि डुअल सिटीजनशिप ऑफर नहीं करता है, तो जिसका मतलब कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड करते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप जो कि आपको छोड़ना पड़ता है, एंड आगे जाके इंडिया आने के लिए आपको जो कि इंडियन गवर्नमेंट से वीजा भी लेना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि जो इंडियंस ऑलरेडी इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल्ड है लेकिन फिर भी वो इंडिया के लिए सोचते हैं, तो दोस्तों इन्हीं थ्री कैटेगरीज के लोगों को बोला जाता है ओवरसीज इंडियंस या तो प्रवासी भारतीय। आपको जानकर हैरानी होगा कि 2023 के एस्टिमेशन हिसाब से पता चलता है कि प्रवासी भारतीयों का संख्या जो कि 32 मिलियन से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्याओं में प्रवासी भारतीयों को देखा जाता है USA एंड UAE में। दुनिया के दूसरे कंट्री के हिसाब से इंडियंस ही है जो सबसे ज्यादा ओवरसीज में देखा जाता है। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको एक इंडियन देखने को नहीं मिलेगा, एक ना एक इंडियन तो आपको जरूर मिल जाएगा वहाँ पे। दोस्तों, आज इंडिया के हर एक स्टेट से हर एक मजहब के हर एक लैंग्वेज के लोग जो के इंटरनेशनली काम करने के लिए जा रहे हैं, जिसका रीजन है इंडिया का जॉब क्राइसिस, लो जॉब अपॉर्चुनिटी, लो स्किल पीपल के लिए कम काम मिलना एंड लेस पे एक्सेट्रा। जहाँ पे इंडिया में रहने वाले लो स्किल पीपल के लोगों को कम काम एंड बहुत ही लेस पेमेंट में जॉब मिलता है, जिसके वजह से उन्हें अपना घर परिवार पालने में भी बहुत मुश्किल होता है, वहीं पे यही लोग UAE एंड अरब जैसे कंट्री पे जाके लो स्किल जॉब करके भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपना घर परिवार को पाल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंडिया को जो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव होता है UAE से। इसके साथ बाकी के जो 9 कंट्री के नाम है वह भी ये लिस्ट पे आप देख सकते हैं। हमारे देश के कुछ स्टेट के लोग तो ऐसे भी हैं जो कि लाखों रुपए खर्चा करके डंकी जैसे लाइफ रिस्क की प्रोसेस को यूज करके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जो के एंटर होते हैं, जिसका स्टोरी आपको शाहरुख खान के डंकी मूवी में देखने को मिला था। दोस्तों, कोई भी अपने खुशी से जो के अपना कंट्री नहीं छोड़ता है, छोड़ने के पीछे गरीबी, लाचारी, मजबूरी एंड खराब हालातों के चलते अपने कंट्री को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के सात समुंदर दूर जाना पड़ता है।
काम करने के लिए, काम करके कुछ पैसा कमा के अपने घर भेजने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे क्या इन लोगों के भेजे गए इतने सारे पैसे से इंडिया को एंड इंडिया में रहने वाले साधारण लोगों को क्या कोई फायदा होता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरसीज रेमिटेंस जो कि जीडीपी के ऊपर बहुत ही बड़ा गुड इफेक्ट करता है, 2023 के डेटा अनुसार जाना जाता है कि 3.40% जीडीपी का अमाउंट जो कि ओवरसीज रेमिटेंस से रिसीव होता है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हर साल जीडीपी का परसेंटेज जो कि बढ़े जा रहा है और ऐसा जीडीपी का परसेंटेज बढ़ने से इंडिया का इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग होता है। दोस्तों ओवरसीज रेमिटेंस जो कि इंडिया का करेंसी रेट में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। दोस्तों जीडीपी का हाई होना मतलब इंडियन करेंसी का रेट भी हाई होना, तो आप समझ सकते हैं कि ओवरसीज रेमिटेंस जो कि इंडियन करेंसी के रेट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। दोस्तों जीडीपी का गिरने का मतलब होता है करेंसी का रेट भी गिरना, और करेंसी का रेट अगर मार्केट में गिरता है तो सामानों का प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है और जो कि आम इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। दोस्तों ओवरसीज रेमिटेंस के वजह से इंडियन मार्केट में मनी फ्लो भी जो कि सही रहता है, विदेशों से पैसा जो कि इंडियन फैमिली के पास पहुंचता है एंड इंडियन फैमिली वही पैसे को मार्केट में अपने हाउस होल्ड सामान एंड डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए खर्चा करते हैं, और इसी तरीके से मार्केट में जो कि नए पैसा का एंट्रेंस होता है जिसके वजह से मार्केट में लेन देन सिस्टम जो के मजबूत होता है। हर साल ब्लैक मनी के वजह से इंडियन मार्केट से जो के बहुत सारा पैसा गायब हो जाता है, लेकिन ओवरसीज रेमिटेंस के वजह से ये पैसा फिर से मार्केट में आ जाता है एंड मार्केट में जो के मनी शॉर्टेज होने से बच जाता है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट जो के सही रहता है। और इंडियन मार्केट का सही रहने का मतलब है छोटे बड़े सारे बिजनेस सही चलना, और इस बिजनेस के सही चलने से ही आम इंसान को भी बेनिफिट मिलता है। अब जब भी इंडियन फैमिली ओवरसीज रेमिटेंस को मार्केट में यूज करते हैं, इंडिया को जो कि अपना प्रोडक्ट टैक्स मिल जाता है और वही टैक्स के पैसे से इंडिया जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट वर्कर्स के सैलरी, स्कूल, कॉलेज एंड बिल्डिंग्स को डेवलप करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। सो इसी तरीके से इंडिया के रहने वाले आम इंसान को भी बेनिफिट मिलता है। इवन ये प्रवासी भारतीय जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं या तो कुछ ही समय के लिए इंडिया में रहते हैं, लेकिन इनके जो अनयूज्ड प्रॉपर्टी रहते हैं, एसेट्स रहते हैं, उनका टैक्स ये बराबर पे करते हैं और यही टैक्स जो के इंडिया के डेवलपमेंट में भी काम आता है। दोस्तों यूएई, कुवैत, अरब जैसे कंट्रियों से जो करेंसी रिसीव होता है ओवरसीज रेमिटेंस के थ्रू, उसी करेंसी को यूज करके इंडिया जो के अरब जैसे कंट्रियों से ऑयल परचेस करता है, जिसके वजह से इंडिया को जो के इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी डॉलर को बाय नहीं करना पड़ता है, उसी वजह से ऑयल का प्राइस भी जो के कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरसीज रेमिटेंस जो के ऑयल के प्राइस सेट करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, जिसके वजह से साधारण इंसानों को भी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों यही ओवरसीज रेमिटेंस जब बैंक में डिपॉजिट होता है, म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट होता है या तो कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो उसके वजह से बैंक या वो कंपनी आपको लोन भी प्रोवाइड करता है, जिस लोन के वजह से आप एक छोटे से बिजनेस को ओपन कर पाते हैं या तो बड़े बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर पाते हैं। उसी के साथ नए एंटरप्रेन्योर्स को भी इन्वेस्टमेंट मिलता है अपने नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में। तो इस तरीके से जो कि इंडिया का बिजनेस मार्केट भी स्ट्रांग होता है और आम इंसान को बेनिफिट मिलता है। दोस्तों आज इंडिया के हर एक छोटे गांव से लोग जो कि विदेशों में काम करने जा रहे हैं एंड हर महीने अपने घर में जो कि पैसे भेज रहे हैं। ओवरसीज रेमिटेंस के वजह से आज गांव में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आ रहा है, इलाकों में बिजनेस बढ़ रहे हैं एंड अच्छे सैलरी के वजह से बच्चों को अच्छा एडुकेशन एंड अच्छा मेडिकल केयर भी मिल रहा है। तो आज मुझे लगता है कि गांव के लोग भी ये बात को समझ चुके हैं, जिसके वजह से आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ के ये लोग विदेशों में ज्यादा काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कई तरीके से प्रवासी भारतीय जो कि इंडिया के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड इकोनॉमी में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। इन प्रवासी भारतीयों में जो NRIs होते हैं, नॉन रेसिडेंटल ऑफ इंडियंस जो होते हैं, इनके सैक्रिफाइस एंड इनको योगदान जो कि दूसरे से कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये साल भर फैमिली, फ्रेंड्स, बीवी, बच्चों को छोड़ के दूसरे कंट्री में काम करते हैं और हर महीने अपने घर में जो कि सैलरी भेजते हैं और वही सैलरी ओवरसीज रेमिटेंस में कन्वर्ट होके जो कि देश के काम में आता है। दोस्तों दुनिया के कई सारे कंट्री है जो कि ओवरसीज रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड करके ही कंट्री को रन करता है। इसका एक एग्जांपल आप देख पाएंगे कि हमारा नेबर कंट्री नेपाल, जिसका 28% जीडीपी का जो कि ओवरसीज रेमिटेंस से आता है, तो आप समझ पाएंगे कि ओवरसीज रेमिटेंस जो कि देश चलाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो से मैं उन सभी प्रवासी भारतीयों को रिस्पेक्ट देता हूं जिनका वो हकदार है, क्योंकि वो देश के बाहर रह के भी देश के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप किसी प्रवासी भारतीय को जानते हैं तो उसे रिस्पेक्ट जरूर करें। कभी ये ना सोचे कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है या कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं या उनका धर्म क्या है, और ये भी ना सोचे कि वो अपना देश जो के छोड़ के गए हैं, क्योंकि आज ये प्रवासी भारतीय वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो ना क्यों, फिर भी वो दिल से जो के इंडियन ही है। सो इन सभी प्रवासी भारतीयों के जैसे मैं भी अपने कंट्री से रिस्पेक्ट और प्यार करता हूँ, इतना तो मैं अपने कंट्री के लिए कर ही सकता हूँ।